रुक करते हैं अगली खबर का। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां विधानसभा में आए दिन पानी की समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें अठोरवाला के लोगों को गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। ये पानी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीण पिछले कई महीनों से गंदा पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। उनका आरोप है कि पिछले एक साल से यहां न तो सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है और न ही पीने के लिए, जिससे किसान अब गेहूं की फसल भी नहीं ले पा रहे हैं। गांव में नलों से पानी तो आ रहा है, लेकिन वह गंदा होता है, जिस वजह से पानी इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। ग्रामीण कई बार इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा चुके हैं। अभी तक जल संस्थान ने ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्वच्छ जल की सप्लाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। अभी घर में भी आप हमारे वार्ड नंबर 7 हमारे क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि हैं, मनवाल जी हो गए, ये हो गए, सभी को बता दिया, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है ये पानी के लिए तैयार नहीं, कोई ही भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अब नहीं, 17 साल से लगभग ये परेशानी थी, लेकिन इतनी साफ तो पानी मिल रहा था, कम मिल रहा था लेकिन साफ मिल रहा था, लेकिन अभी तो ये मिट्टी का पानी बोलते क्या है कि पियो, हमारे बस की कुछ नहीं, जबकि हमारे पास पानी है। हमारी काल में ये ट्यूबवेल खराब हुआ था, उसके बाद इसके हौज में कोई दिक्कत आई, जब लोगों ने हल्ला उठाया तो इसका 4 इंच की इन्होंने वोट डाली, और पानी आने के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जो पानी मिल रहा है ये पानी मिल रहा है। पर इस सरकार का कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रतिनिधि, 4 वार्ड सदस्य हमने यहाँ पे इनको दिए।